हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्रेट विद्या। तो गाइस, मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीएससी सेकंड ईयर जो बॉटनी का सिलेबस है 2023 का, आपको मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी आसान शब्दों में समझाऊंगा, कठिन शब्दों में बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। गाइस देखिए, सिलेबस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि सिलेबस का मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो गाइस देखिए, जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमको सिलेबस के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए गाइज, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं, लेकिन गाइज टाइम कम होता है सिलेबस को कवर कराने में, और क्या होता है कि आप सिलेबस से बाहर पढ़ लेते हैं, सिलेबस को कवर करने में टाइम कम होता है, और सिलेबस में जो टॉपिक नहीं दिए गए हैं उन टॉपिकों को आप पढ़ लेते हैं। और देखिए गाइज, यहाँ पर आपको देखिए, जो एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर जो चीज़ होगी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, आपको सिलेबस में से ही सब कुछ पूछा जाएगा। तो गाइस देखिए, सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको सिलेबस से बाहर। गाइस नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको देखिए सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, हमको सिलेबस से क्या शिक्षा मिलेगी, यहाँ पर देखिए आपको कितने पेपर होंगे बॉटनी के 2023 में, कितने यूनिट होंगी प्रत्येक पेपर में, और प्रत्येक पेपर आपका कितने कितने नंबर होगा, यह जानकारी आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए अंत तक। गाइज आज की इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी सरल भाषा में, और आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके बॉटनी के 3 पेपर होंगे, जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे बॉटनी के, सेकेंड ईयर में भी आपके 3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर आपका देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल अलग होंगे और उनके नाम हैं वो भी बिल्कुल अलग होंगे। आपको जो फर्स्ट पेपर है वो 33 नंबर होगा, सेकंड पेपर है वो भी 33 नंबर होगा, लेकिन आपका जो थर्ड पेपर है वो 36 नंबर होगा, जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में था। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक है पेपर में, कैसे टॉपिक है, कितनी यूनिट है, आपको मैं कंप्लीट बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको जो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है, ये पेज, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिया गया है यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए आपको एक पेपर में 4 यूनिट का अध्ययन करना है। देखिए गाइज, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, यूनिवर्सिटी की बुक ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि सिलेबस में यूनिट की जगह सेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए आपको सेक्शन यूनिट कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आपको जैसे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अध्ययन करना है। देखिए गाइस, जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिया गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा जो पहला पेपर होगा, जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, उसका ये नाम होगा। आपको देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अध्ययन करना है। देखिए गाइस, जो सेकंड पेपर है उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड पेपर है उस स्पष्ट दिया गया है, उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री, इसका यह नाम है, और जो इसमें यूनिट दी गई है वहाँ पर, यहाँ पर स्पष्ट दी गई है, आप देखिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलिए गाइज जो नेक्स्ट पेज है उस पर चलते हैं। कुछ टॉपिक थे जो यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट पेज कुछ दिया गया है, कुछ टॉपिक थे जो यहाँ पर देखिए सेकेंड पेपर के थे, यहाँ पर स्पष्ट दिए गए हैं। अब जो थर्ड पेपर है, यहाँ पर देखिए मैं इसकी थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए पेज पेपर जो थर्ड है उसका नाम स्पष्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर टेरिडोफाइडा, जिम्नोस्पर्म, और देखिए यहाँ पर पेलियोबॉटनी, स्पष्ट यहाँ पर नाम दिया गया है, यूनिट दी गई हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। गाइस देखिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास दूँगा, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊँगा, ऐसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बेस आपका बेस मजबूत किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए पेज दिया गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, गाइज एक लाइक तो आपका बनता ही, और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।